Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So this is going to be a very important video because इस video में हम लोग एक बहुत important topic cover करने वाले हैं और वो है linear algebra. Precisely हम लोग आज के topic में vectors पढ़ेंगे जो कि बहुत important part होता है linear algebra का. Start करने के पहले आपको बस एक बात बताना चाहूँगा कि machine learning में आप कभी भी जाके ये search करोगे अगर कि क्या क्या हमें अच्छे से जानना चाहिए मशीन लर्निंग पढ़ने के पहले, तो आपको हमेशा लीनियर अलजेब्रा के बारे में बताया जाएगा. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सो फाउंडेशनल. ठीक है, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट आप ये वीडियो एंड टू एंड तक देखो, क्योंकि अगर आप देख लेते हो तो वेक्टर से रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे आगे मशीन लर्निंग में, वो सारे के सारे आप इस वीडियो में सीख जाओगे. ठीक है, एक और बात स्टार्ट करने के पहले, मैंने पूरा का पूरा वीडियो ड्राई ना हो, एज इन सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और आप बोर हो जा रहे हो, वैसा ना हो, इसलिए कोशिश की है हर टॉपिक के साथ ये भी बताने की कि मशीन लर्निंग में वो पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ पे यूज़ होगा. साथ ही साथ मैंने आपको कोड्स के थ्रू एग्जांपल्स देने की कोशिश की है. सो द होल आइडिया इज़ कि आप नॉट ओनली वेक्टर्स सीखो, आप वेक्टर्स को मशीन लर्निंग में देख पाओ यूज़ होते हुए. ठीक है, तो आई गेस आपको पूरा सेटअप समझ में आ गया इस वीडियो का. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा का मशीन लर्निंग में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है. ठीक है, तो अगर आप एकदम सिंपल डेफिनेशन पे जाओ तो लीनियर अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लीनियर सिस्टम्स. ठीक है, विच आर सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लीनियर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनके साथ डील करने के लिए जो पूरा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है उसको आप लीनियर एलजेब्रा बोलते हो. ऑनेस्टली आपने शायद ऑलरेडी कभी ना कभी लीनियर एलजेब्रा का फ्लेवर लिया होगा हाई स्कूल मैथमेटिक्स में. यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट इज अ फाउंडेशनल सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स एंड हैज एप्लीकेशंस इन मेनी एरियाज इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मोर. तो ये बहुत ही लाइक फाउंडेशनल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट हर एरिया में जहां भी मैथमेटिक्स यूज होता है वहां पे आप देखोगे लीनियर अलजेब्रा यूज होता है. ठीक है, क्या पढ़ते हो आप यहाँ पर? आप यहाँ पर पढ़ते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हो अबाउट स्केलर्स. स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स आर नथिंग बट नंबर्स लाइक 2, 5, -6, इनको आप स्केलर बुला सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ते हो अबाउट वेक्टर्स. वेक्टर्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1D. ठीक है, फिर आप यहां पे पढ़ते हो मेट्रिसेस. ठीक है, ये भी कलेक्शन ऑफ 2D नंबर्स. और आप यहां पे पढ़ते हो अबाउट टेंसर्स. ठीक है, लाइक हायर डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये सारी चीजों की जो पढ़ाई है और इनको यूज करके आप जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो उसी को आप लीनियर अलजेब्रा बोलते हो. ठीक है, तो खुद में बहुत ही बड़ा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, काफ़ी काम हुआ है इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में. तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि मशीन लर्निंग में क्यों यूज़ करना है, मशीन लर्निंग में क्या यूज़ है, क्यों मुझे लीनियर एलजेब्रा आना चाहिए. सो आई विल गिव यू टू रीजंस व्हाई वी शुड स्टडी लीनियर एलजेब्रा फॉर मशीन लर्निंग. सो द फर्स्ट रीजन इज कि लीनियर एलजेब्रा इज वेरी गुड इन जनरलाइजिंग कॉन्सेप्ट्स इन हायर डायमेंशन. ये आप पूरे टाइम नोटिस करोगे कि जो भी आप 1D और 2D में डिस्कस कर रहे हो या यूज कर रहे हो उसको आप बहुत आसानी से n डायमेंशन में यूज कर सकते हो. We humans are not get very good with higher dimension data. The max that we can visualize is 3D, right? So let's take an example. आप let's say machine learning में आपको एक problem दिया गया काम करने के लिए कि given let's say salary data, given experience and salary data, you have to create a predictor कि कितना experience पे कितना salary मिलना चाहिए. तो ये डेटा फिर भी 2D है और लेट्स से आपने लीनियर रिग्रेशन लगाया तो यू कैन ड्रॉ दिस लाइन, राइट. अब कल को यहाँ पर एक कॉलम और आ जाता है, लेट्स से आपने बोल दिया कि एजुकेशन क्या है या एजुकेशन के मार्क्स कितने हैं,
So now this data will become 3D, and still you will be able to draw a plane. You will be able to draw a plane, and you will be able to solve this problem. बट वॉट इफ यहाँ पर एक और कॉलम आ जाए या फिर 10 और कॉलम आ जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, बिकॉज यू कैन नॉट विजुलाइज क्या हो रहा है. तो लीनियर अलजेब्रा को यूज करके वॉट यू कैन डू इज यू कैन सॉल्व दीज हायर डायमेंशन प्रॉब्लम्स. एंड मशीन लर्निंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डेटा आपको मिलेगा वो बहुत हाई डायमेंशन का होता है. कभी कभी तो आई हैव सीन लाइक 5,000 डायमेंशन का डेटा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फिर भी सॉल्व कर सकते हो, उसके साथ काम कर सकते हो. वाई? बिकॉज लीनियर एल्जेब्रा हेल्प्स यू विद द हाई डायमेंशनैलिटी. ठीक है, जो बात 2D में ट्रू है, जो बात 3D में ट्रू है, वो बात हायर डायमेंशन में भी ट्रू है. यहाँ पे आपने प्लेन बना दिया, हायर डायमेंशन में वो हाइपर प्लेन बन जाएगा. ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम रहेंगे. जो इक्वेशन आपने यहाँ पे डिराइव किया, उसी इक्वेशन का जनरलाइजेशन यूज करके आप हाइपर प्लेन ड्रॉ कर सकते हो. तो ये आपको थ्रू आउट मशीन लर्निंग हेल्प करता है जब भी आप हाई डायमेंशनलिटी वाले डेटा के साथ काम करते हो. ठीक है, सेकेंड रीजन इज डेटा रिप्रेजेंटेशन. सो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आपके पास बहुत वाइड वैरायटी का डेटा आता है. सो आपके पास टेबुलर डेटा आता है, आपके पास टेक्सचुअल डेटा आता है, आपके पास इमेज डेटा आता है, आपके पास इवन वीडियो डेटा आता है. तो इतने वाइड वैरायटी फॉर्मेट्स को आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग लीनियर एल्जेब्रा. एंड वंस यू आर एबल टू रिप्रेजेंट कि वो डेटा दिखता कैसा है, तो फिर आप उसको बहुत आसानी से एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड कर सकते हो. एंड उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अपना काम करेगा और आपको प्रिडिक्शंस करके देगा. बट जो मेन प्रॉब्लम है कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट में, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके कौन दे रहा है? लीनियर अलजेब्रा. नॉट ओनली दैट, लीनियर अलजेब्रा इतना ब्यूटिफुली डिजाइंड है कि इट काइंड ऑफ वर्क्स वेल विथ आर सीपीयूज एंड जीपीयूज. द वे द मैथमेटिक्स हैज बीन क्रिएटेड, इट रियली सपोर्ट्स द वे सीपीयूज एंड जीपीयूज वर्क. इनफैक्ट डीप लर्निंग में शायद आपने सुना भी होगा काफी जीपीयू यूज होता है, और बिहाइंड द सीन्स आप लीनियर अलजेब्रा को यूज करके जीपीयू को यूटिलाइज कर पाते हो. तो दीज आर द टू बिगेस्ट रीजन्स. फर्स्ट, ये आपको आंखें दे रहा है हायर डायमेंशन में जो आपके पास नहीं है, और सेकेंड, ये किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का पावर आपको दे रहा है, सो दैट आप उसको किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड करा पाओ. एंड दैट इज वाई यू शुड लर्न लीनियर एल्जेब्रा. ठीक है, तो ये जो कोर्स है इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी. सो विल कवर द बेसिक्स, और जो एडवांस टॉपिक्स हैं, मेरा प्लान है कि जब भी वो टॉपिक्स अकर करेंगे आगे चल के, जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे. बट ये जो कुछ लेक्चर्स हैं जो मैं लीनियर अलजेब्रा पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसा समझो कि इट विल हेल्प यू अ लॉट सारा का सारा मशीन लर्निंग समझने में. इट्स लाइक द ABCD ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो. सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट वेक्टर्स, एंड देन वी विल हैव वन मोर वीडियो ऑन मेट्रिसेस, एंड आई विल शेयर वन मोर वीडियो विद अबाउट टेंसर्स. ठीक है, स्केलर्स आर लाइक प्रिटी सिंपल, दे आर नॉर्मल नंबर्स, तो इसके इर्द गिर्द अलग से एक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है. बट या वेक्टर्स, मेट्रिसेस एंड टेंसर्स के ऊपर वी विल डू डिटेल्ड डिस्कशंस. ठीक है, सो आई होप यू आर एक्साइटेड. दिस इज लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग परस्यू करने जा रहे हो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लीनियर एल्जेब्रा. और जनरली आपको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाता है लीनियर एल्जेब्रा में वो होता है वेक्टर्स. ठीक है, अब वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी यूजफुल है अलग अलग टाइप के एरियाज में. लाइक आप वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मैथ्स में भी, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, और आप कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ोगे, एंड दैट इज वाई आप मशीन लर्निंग में भी पढ़ोगे. तो इट इज अ वेरी जनरल सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. मैं आपको एक छोटा सा इंट्यूशन देता हूँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं.
वेक्टर्स को समझने के लिए जो सबसे आसान तरीका है ना, वो है कि आप एकदम बेसिक 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओ, जो आपने शायद 10th क्लास में पढ़ रखी होती है। सो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट का। सो अगर आपके पास एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपके पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स होते हैं, राइट? लाइक दिस इज अ पॉइंट, लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले 3 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में मूव करना है और फिर 4 यूनिट्स वाई डायरेक्शन में मूव करना है, तब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस आप इस पॉइंट को इस 2D कोऑर्डिनेट स्पेस में एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, एंड यू कैन राइट लाइक लेट्स से दिस वेक्टर ए इज 3, 4, ठीक है? अब ये जो 3 और 4 है, इनको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है? बेसिकली जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जिससे आपका वेक्टर फॉर्म होता है, उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो दिस 3 इज द वाई कंपोनेंट एंड दिस 4 इज, आई एम सॉरी, दिस 3 इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस 4 इज द वाई कंपोनेंट, ठीक है? अब ये तो बात हो गई 2D की। द गुड पार्ट अबाउट लीनियर एल्जेब्रा इज कि आप हमेशा छोटे डायमेंशन से स्टार्ट करके बड़े डायमेंशन में जा सकते हो। सो इमेजिन यू हैव अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स से वहां पर देर इज अ पॉइंट, और आप उसको भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसमें ऑब्वियसली देर विल बी 3 कंपोनेंट्स। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ए इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन 3D स्पेस और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? सिमिलरली इसी तर्ज पे आप एक एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो इन द सेम वे आप एन डायमेंशनल हाइपर स्पेस में भी आप एक वेक्टर को इमेजिन कर सकते हो विच हैज गॉट लेट्स से एन कंपोनेंट्स, सो x1, x2, x3, xn, ठीक है? तो एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको कोई भी पूछे कि व्हाट इज अ वेक्टर, तो यू कैन इजीली से दैट इट इज अ पॉइंट इन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो होता है डायमेंशन का। डायमेंशन का सिंपल मतलब है कि आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम या कितने डायमेंशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर हैं। लेट्स से इफ यू आर अ वेक्टर इन 2D कोऑर्डिनेट स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर वुड बी 2। इफ यू आर अ वेक्टर इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू आर अ वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3। इफ यू आर अ वेक्टर इन एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन यू आर अ वेक्टर ऑफ डायमेंशन n, ठीक है? तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मशीन लर्निंग में जनरली यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, जहां पर आप इस तरीके से लिखते हो, एंड देन यू रिप्रेजेंट ऑल द कंपोनेंट्स इन दिस मैनर, कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, ठीक है? सो दिस इज अ एन डायमेंशनल वेक्टर। आई होप आपको ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मशीन लर्निंग में वेक्टर्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है? तो बहुत सिंपल तरीका है। मान लो हम एक छोटा सा कोई डेटा सेट पकड़ते हैं, जैसे कि आयरिस डेटा सेट। इट इज अ फेमस डेटा सेट, जनरली लोगों का फर्स्ट डेटा सेट होता है। तो आयरिस में अगर आपको याद होगा, हमारे पास 150 फ्लावर स्पीशीज का डेटा था, राइट? सो हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स हुआ करते थे। एक था सेपल लेंथ, एक था सेपल विड्थ, एक था पेटल लेंथ, एक था पेटल विड्थ, और लास्ट में आपके पास स्पीशी कौन सी है ये बताया गया था। जैसे कि एक सैम्पल फ्लावर कुछ ऐसा दिखाई देगा, 5.2, 2.1, 7.2, 9.1 सेटोसा, ठीक है? 3.1, 4.2, 7, 6.5 वर्सी कलर, ठीक है? इस तरीके से आपके पास 150 फ्लावर्स का डेटा था।
तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में कॉन्सेप्ट होता है फीचर वेक्टर का, और ये आपको आगे बहुत बार सुनाई देगा। फीचर वेक्टर क्या होता है कि आप अपने हर डेटा पॉइंट को, यहाँ पे वी हैव गॉट 150 डेटा पॉइंट्स, आप हर डेटा पॉइंट के जो इनपुट फीचर्स हैं उनको आप एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, दे आर योर इनपुट फीचर्स या इनपुट कॉलम्स, ठीक है। वेर एज योर स्पीशी इज योर टारगेट कॉलम। वाई टारगेट? बिकॉज आप जनरली इस इनपुट के बेसिस पे इसको प्रेडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं वहां पर आप क्या करते हो, आप अपने हर डेटा पॉइंट को एक फीचर वेक्टर में कन्वर्ट करके भेजते हो। सो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से पूछना है कि ये पर्टिकुलर फ्लावर का स्पीशी क्या होगा, तो मैं उसको इनपुट में एक वेक्टर प्रोवाइड करूंगा, एंड दैट वेक्टर विल लुक लाइक दिस। फॉर द फर्स्ट फ्लावर इट वुड बी 5.2, 2.1, 7.2, 9.1। दिस इज द फोर डायमेंशनल वेक्टर, लाइक इन अ फोर डायमेंशनल स्पेस इट वुड बी अ वेक्टर। इस वेक्टर को मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल में भेजूंगा और इंटरनली वो मॉडल अपना काम करेगा और फिर प्रिडिक्शन देगा कि ये तो सेटोसा है। सिमिलरली आई कैन रिप्रेजेंट माई सेकेंड फ्लावर विच इज दिस वन एज अनदर फोर डायमेंशनल वेक्टर, 3.1, 4.2, 7, 6.5, ठीक है। तो इन अ वे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मैं 4D स्पेस तो नहीं बना पाऊंगा बट मैं आपको 3D स्पेस में इमेजिन करवाता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता और हमारे पास सिर्फ तीन ही कॉलम्स हैं, एक है सेपल लेंथ, एक है सेपल विड्थ और एक है पेटल लेंथ। तो हमारे पास टोटल 150 फ्लावर्स है। तो बेसिकली इन 150 फ्लावर्स को हम हर फ्लावर को इस 3D स्पेस में वेक्टर्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सो बेसिकली वी विल हैव 150 वेक्टर्स, ठीक है, 150 फीचर वेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा इंट्यूशन मिला फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स क्या होते हैं। इट्स अ कॉन्सेप्ट जो शायद आपने कभी ना कभी एनकाउंटर किया ही होगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने अभी ये डिस्कस किया कि मशीन लर्निंग में क्यों वेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है। सो मशीन लर्निंग में इसलिए वेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ काम करोगे, आप जब अपना डेटा इनपुट कराओगे तो वो एक फीचर वेक्टर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इट कुड बी ऑफ एनी डायमेंशन। हमारे आयरिस वाले डेटा सेट में दिस इज 4D, बट लेट्स से अगर आपके पास टाइटैनिक वाला डेटा सेट होता और वहां पे तो बहुत सारे कॉलम्स थे, वहां पे एज था, वहां पे फेयर था, वहां पे सेक्स था, वहां पे जेंडर था, आई एम सॉरी, सेक्स और जेंडर सेम हो गया, लेट्स से पी क्लास था, पी क्लास था, और भी बहुत सारे कॉलम्स थे, लेट्स से एम्बार्क्ड था, इस तरीके से 8-10 कॉलम्स थे। तो वहां पे हर पैसेंजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आ फीचर वेक्टर ऑफ दैट डायमेंशनल स्पेस। जैसे लेट्स से ये 5 है तो वो 5 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में शायद ये आ सकता है कि लेट्स से यहाँ पे एज 17 है, फेयर 52 है, सेक्स लेकिन मेल है, पी क्लास 1 है, एम्बार्क्ड ई है, तो फिर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में नंबर्स तो नहीं भेज सकते। आपके वेक्टर्स जो होते हैं जनरली फीचर वेक्टर्स, दे आर अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट कैन नॉट हैव इंग्लिश वर्ड्स और कैरेक्टर्स। तो इस केस में आप क्या करते हो कि आप एनकोडिंग्स यूज करते हो। यू एनकोड लेट्स से एम एज 0, फीमेल एज 1, इन दैट केस दिस वेक्टर विल बिकम 17, 52, 0, 1। लेट्स से ये एम्बार्क में 3 वैल्यूज हैं, क्यू सी एस, तो इसको आप 0 बुला रहे हो, उसको 1 बुला रहे हो, उसको 2 बुला रहे हो, तो लेट्स से यहाँ पे अगर एस है तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे एंड दिस विल बी योर फीचर वेक्टर, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा ये डिस्कशन के बाद वो ये था कि आप किसी भी डेटा सेट में अपने इनपुट कॉलम्स में जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको एक फीचर वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो,
और आपका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो हमेशा ये फीचर वेक्टर्स ही एक्सपेक्ट करता है और तभी वो प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन अराउंड वेक्टर्स। वी स्टडीड अबाउट 2D वेक्टर्स, 3D वेक्टर्स, ND वेक्टर्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वी स्टडीड अबाउट फीचर वेक्टर्स, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट वेक्टर्स का एक डिस्कशन किया और हमने ये भी समझा कि मशीन लर्निंग में कहाँ यूज हो सकते हैं वेक्टर्स। अब मैं आपको थोड़ा और कंक्रीट एग्जांपल देता हूँ, और जस्ट ये एग्जांपल देने का रीजन ये है कि आपके दिमाग में मैं ये बिठाना चाहता हूँ कि वेक्टर्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मशीन लर्निंग में। सो लेट्स से हमें एक टास्क दिया जा रहा है, मशीन लर्निंग का टास्क है, हमें एक रिकमेंडर सिस्टम बनाना है, ठीक है। और रिकमेंडर सिस्टम हमें मूवीज का बनाना है, विच मीन्स कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर मूवी बताई जाएगी तो हम उस मूवी के बेसिस पे 5 और मूवीज यूजर को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। लेट्स से यूजर ने बोला मैट्रिक्स, तो हम उसको 5 और मूवीज रिकमेंड करेंगे जो कि हमें लगता है मैट्रिक्स से बहुत सिमिलर है, ठीक है। नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा इस तरह के एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास डेटा कैसा अवेलेबल है। आपके पास एक ऐसा डेटा है जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस एक सिंगल, एक्चुअली दो कॉलम्स हैं आपके पास। पहला कॉलम है मूवी का नाम और दूसरा कॉलम है समरी, ठीक है। दिस इज मूवी वन, उसका समरी। दिस इज मूवी टू, उसका समरी। दिस इज मूवी थ्री और उसका समरी। और आपको इस गिवन डेटा के बेसिस पे एक रिकमेंडर सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो अब ये काम को कैसे करोगे, ये करने के लिए ना आपको वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स दे आर नॉट रियली गुड टू वर्क विथ टेक्सचुअल डेटा, बट हमारे पास जो डेटा है इट इज कम्प्लीटली टेक्सचुअल, राइट। तो कैसे आप इस तरह के प्रॉब्लम्स में ऑपरेट करोगे, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज, लेट्स से थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 मूवीज की समरी है। पहली समरी है हाय हाउ आर यू। आई नो ये कोई समरी नहीं है बट बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फिर अगला है माई नेम इज कैंपस एक्स, ठीक है। दिस इज 2023, ठीक है। आई नो ये 3 मूवीज की समरी है, मूवी वन, मूवी टू, मूवी थ्री। तो आपके पहले आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप इस टेक्सचुअल डेटा को नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या फिर सिंपली पुट आप इनको फीचर वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं एनएलपी के डोमेन में। हम जो टेक्निक देख रहे हैं वो है बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। सो व्हाट यू डू इज कि आप पहले अपने पूरे के पूरे वोकैबलरी में जाओगे। वोकैबलरी कंसिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन योर डेटा सेट। सो यू कैन सी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यूनिक वर्ड्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सारे यूनिक वर्ड्स को इस तरीके से लिख लोगे, हाय हाउ आर यू माई नेम इज कैंपस एक्स दिस 2023। और अब आप क्या करोगे, हर मूवी के पास जाओगे और आप पूछोगे कि हाय कितनी बार आया, एक बार आया। हाउ कितनी बार आया, एक बार आया। आर कितनी बार आया, एक बार आया। यू कितनी बार आया, एक बार आया। बाकी सब 0 टाइम्स आए, ठीक है। फिर अगला रिव्यू में जाओगे, हाय कितनी बार आया, 0 बार। माई नेम इज कैंपस एक्स, एक एक बार आया, ठीक है। फिर जो लास्ट रिव्यू है इट वुड बी दिस, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट योर टेक्सचुअल डेटा इनटू फीचर वेक्टर्स। सो अभी आपने जस्ट क्या किया,
आपके पास एक डेटा सेट था जिसमें आपके पास 3 मूवीज की समरी थी, आपने उसको 3 फीचर वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट? एंड ईच ऑफ दीज फीचर वेक्टर्स आर अ वेक्टर इन अ 10 डायमेंशनल स्पेस, राइट? आई कैन नॉट शो यू 10 डायमेंशन कैसा दिखता है, बट यू कैन हैव अ फील, राइट? 3D में इमेजिन कर सकते हो, तो 10D भी आप इमेजिन कर सकते हो, राइट? और ये तो बहुत छोटा डेटा है, जब आप एक रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम कर रहे होगे तो हो सकता है कि आपके पास 3 मूवीज ना हो, 5,000 मूवीज हो, और फिर 5,000 मूवीज होंगी तो आपके वोकैबलरी में सिर्फ 10 ही वर्ड्स नहीं होंगे, हो सकता है 50,000 वर्ड्स हो, राइट? इन दैट केस ऑल्सो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आप अपने इन 5,000 मूवीज के लिए 5,000 फीचर वेक्टर्स बनाओगे, एंड ईच वेक्टर विल बी अ वेक्टर इन अ 50,000 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस, 50,000 डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे, बट द आइडिया वुड बी सेम, ठीक है? अब आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास ये 3 मूवीज हैं, आपके पास ये 3 मूवीज हैं और आपने ये वेक्टर्स बना लिए, राइट? अब किसी ने इस मूवी का नाम पूछा आपसे और बोला कि भाई मुझे इससे सिमिलर कोई मूवी रिकमेंड करो, तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत आसानी से, इसको अगर ए बुला रहे हो, इसको अगर आप बी बुला रहे हो, इसको अगर आप सी बुला रहे हो, तो किसी ने बोला कि मुझे बी पसंद है, कोई और मूवी मुझे बताओ जो मुझे पसंद आएगी, तो आप सी रिकमेंड कर दोगे, बिकॉज यू कैन सी इट इज क्लोजर, लाइक इन टर्म्स ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस इट इज क्लोजर टू बी। ए आप रिकमेंड नहीं करोगे बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लार्जर, राइट? तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट जो रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं, अगर आपने पहले मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी है तो आई कैन टेल यू दिस कि बहुत सारे रिकमेंडर सिस्टम्स इतने सिंपल चीज़ों पे काम करते हैं कि आप पहले ये वेक्टर्स बनाते हो और उन हाई डायमेंशनल वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके मूवीज या फिर बुक्स रिकमेंड करते हो, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया सो दैट आप थोड़ा और अप्रिशिएट कर पाओ कि वेक्टर्स कितने पावरफुल और कितने यूजफुल होते हैं मशीन लर्निंग में, ठीक है? सो नाउ दैट मैंने आपको वेक्टर्स का थोड़ा इंट्यूशन दे दिया, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट 2 मोर वेक्टर्स, रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर। एक्चुअली कोई अलग चीज नहीं है, ये बेसिकली वेक्टर को लिखने का तरीका है, ठीक है? मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, और इसमें लेट्स से एन कंपोनेंट्स है, ये एन डायमेंशन का एक वेक्टर है। तो अगर आप उसको ऐसे रो के फॉर्मेट में लिखते हो, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर वेक्टर्स वेक्टर, अगर आप उसको ऐसे रो के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो इट इज नोन एज अ रो वेक्टर। एक्सप्लिसिटली कुछ बुक्स में आपको ये नोटेशन दिखाई देता है, सो ये क्या बोल रहे हैं कि आपका 1 इज द नंबर ऑफ रोज एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स जो इस वेक्टर में है, ठीक है? तो ये देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ए इज अ रो वेक्टर, ठीक है? सिमिलरली अगर लेट से आपके पास एक वेक्टर है बी और आप उसको ऐसे लिख रहे हो x1 x2 x3 ... xn, ये भी एक एन डायमेंशन का ही वेक्टर है, बट इस बार आपने इसको कॉलम वेक्टर की तरह लिखा और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर, वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड 1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? तो आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स मशीन लर्निंग के डोमेन में। लेट्स से आपके पास सेम वही डेटा सेट है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और फिर स्पीशीज है, राइट? और यहाँ पे आपके अलग अलग फ्लावर्स का डेटा है, लाइक दिस टोटल आपके पास 150 फ्लावर्स का डेटा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर दोनों को देख सकते हो। जैसे कि लेट्स से अगर आप एक सिंगल फ्लावर को पिक कर रहे हो और आप उसका फीचर वेक्टर पकड़ रहे हो, तो दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ रो वेक्टर, जहां पर द डायमेंशन वुड बी 1 x 4, बिकॉज देर इज 1 फ्लावर एंड ईच फ्लावर हैज 4 डायमेंशंस, ठीक है?
सिमिलरली अगर आप सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं उनके टाइप को एक साथ उठा रहे हो तो दिस इज अ कॉलम वेक्टर वेयर द डायमेंशंस आर 150 क्रॉस 1। बेसिकली मेरे पास 150 फ्लावर्स के बारे में एक डेटा है कि उनका टाइप क्या है, सेटोसा है, वर्सिकलर है या वर्जेनिका है। ठीक है, सो बेसिकली कभी भी आप एक पूरे कॉलम को उठा रहे हो दैट इज अ कॉलम वेक्टर, कभी भी आप एक रो को उठा रहे हो दैट इज अ रो वेक्टर। अभी गोइंग फॉरवर्ड मशीन लर्निंग में यू वुड सी कि हम अलग अलग सिनेरियोज में डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट हम या तो रो वेक्टर को यूज करते हैं या फिर हम लोग कॉलम वेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, बट ये नोटेशन आपके सामने हमेशा होना चाहिए। तो अगला जो छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है किसी भी वेक्टर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्टेन सिनेरियोज में ये यूजफुल हो जाता है। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक 2D कोऑर्डिनेट स्पेस है और हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स कॉल दिस वेक्टर ए, और इस वेक्टर में दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इस वेक्टर का, बेसिकली इसके टेल से इसके हेड का जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। आई गेस ये आपको पहले से भी पता होगा, बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। सो हम क्या करते हैं, हम एक बार ये डॉट्स कनेक्ट करते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है ये है आपका ए और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका बी, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी बी हो जाएगा। तो फिर अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो दिस डिस्टेंस विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, लाइक यही होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। और द गुड पार्ट इज कि ये जो लॉजिक है ये हायर डायमेंशन में भी ट्रू है। लेट्स से यू हैव अ 3D पॉइंट और 3D वेक्टर, राइट? लेट्स से ये जो वेक्टर है इसमें ए बी और सी तीन कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। तो अगेन ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा रूट ओवर ऑफ जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम, लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस विल बी ट्रू इवन इन एन डायमेंशनल स्पेस। लेट्स से यू हैव अ वेक्टर एंड द वेक्टर इज लेट्स से x1 x2 xn। आपको डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से इस एन डायमेंशनल स्पेस में, द डिस्टेंस वुड बी जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसी को आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हो अपने वेक्टर का। ठीक है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग कई जगह पे इस नोटेशन को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्विकली एक बार ये दिखाता हूँ कि पाइथन में आप कैसे किसी भी एन डायमेंशनल वेक्टर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या फिर बोला जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, आपके पास नंपाई इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो आपने नंपाई को इंपोर्ट किया, दिस इज योर 5 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, आप 10 डायमेंशनल 100 डायमेंशनल भी ले सकते हैं, मैंने एक ऐसा वेक्टर लिया है जो कि 5 डायमेंशनल है। और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एनपी डॉट लीनियर एल्जब्रा बोल के एक लाइब्रेरी है उसके अंदर से नॉर्म फंक्शन को कॉल करना है और वहां पे आपको अपना वेक्टर पास कर देना है और आप इसको जैसे ही रन करोगे यू वुड बी एबल टू सी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो यू कैन सी इस 5 डायमेंशनल वेक्टर का 5 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 7.41 है। द गुड पार्ट अबाउट यूजिंग दिस फंक्शन इज कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके पास कितने डायमेंशन का वेक्टर है। कितने भी डायमेंशन का वेक्टर हो इट डज नॉट मैटर, आपका ये फंक्शन आराम से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी ये शायद 10-15 डायमेंशन का वेक्टर है, मैंने इसको यहाँ पर डाला एंड यू कैन सी यू आर स्टिल एबल टू गेट द आउटपुट। ठीक है, सो गाइस जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, एंड आई एम श्योर आपने ये जरूर पहले से पढ़ रखा होगा बट एक बार हम इसे फिर से डिस्कस करते हैं। सो हमेशा की तरह लाइक लीनियर अलजेब्रा में व्हाट यू डू इज आप कोई भी कॉन्सेप्ट को आप 2D में पढ़ते हो
मे बी 3D में पढ़ते हो और फिर आप सेम चीज को स्केल कर देते हो एन डायमेंशनल हाइपर स्पेस में. सो बेसिकली लेट्स से हमारे पास एक 2D स्पेस है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड वी हैव टू वेक्टर्स, राइट. इसके कंपोनेंट्स हैं ए और बी, और इसके कंपोनेंट्स हैं सी और डी. और हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, ठीक है. अब फॉर्मूला तो शायद आपको पहले से पता ही होगा, मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक इंट्यूशन दे देता हूँ. सो बहुत सिंपल है. अगर आप सारे पॉइंट्स एक बार कनेक्ट कर लो, लेट्स से ये है एक्स कंपोनेंट दूसरे वाले वेक्टर का, ये है वाई कंपोनेंट, और यहाँ पर भी आई कैन डू द सेम थिंग. तो यू कैन सी हमें ये डिस्टेंस निकालना है, राइट. सॉरी, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, एंड यहाँ पर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. सो बेसिकली हमें अगर ये डिस्टेंस मिल जाए और अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड कि ये डिस्टेंस क्या है. ये पूरा डिस्टेंस सी है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो गया सी माइनस ए. और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बी माइनस डी. तो अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो ये हो जाता है रूट ओवर ऑफ आपका सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है. एंड दिस इज द डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस इन 2D. अगर ये सेम काम अगर आप 3D में करो, तो आपका डिस्टेंस हो जाता है रूट ओवर ऑफ आप ऐसा करते हैं कि दो वेक्टर्स लेते हैं, वन विथ एक्स वन वाई वन जेड वन कंपोनेंट, और एक दूसरा वेक्टर लेते हैं विथ एक्स टू वाई टू जेड टू. तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ठीक है. सो बेसिकली आप दोनों वेक्टर्स को ले रहे हो, उनके कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो, और ऐसा आप अपने हर कंपोनेंट के लिए करके स्क्वायर कर दे रहे हो. और यही सेम चीज आपकी ट्रू होगी एन डायमेंशनल स्पेस में भी, ठीक है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइथन में आप यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी डायमेंशनल वेक्टर. सो यू कैन सी यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी. हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया ए माइनस बी, ठीक है. मैं आपको दिखाता हूँ ए माइनस बी क्या है. सो मैं आगे का कोड थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट वॉट इज डिफरेंस. यू कैन सी 6 माइनस 1, 7 माइनस 2, 8 माइनस 3, ऐसे करके हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया है. और अब हमें बस क्या करना है, सबका स्क्वायर करना है. और सबका स्क्वायर करने का बेसिकली मतलब है कि आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हो, और आप वो निकाल सकते हो यूजिंग नॉर्म फंक्शन, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट. अब इट डज नॉट मैटर यहाँ पे 5 डायमेंशन का वेक्टर है या 500 डायमेंशन का वेक्टर है, ये अप्रोच आपको हमेशा दो एन डायमेंशनल वेक्टर्स के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है. तो इट इज लाइक अ कोड जो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों वेक्टर्स को, आइटम वाइज सब्ट्रैक्शन, लाइक कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन, और फिर आपको नॉर्म फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में यूक्लिडियन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है. तो लेट मी टेल यू, यूक्लिडियन डिस्टेंस इज वन कॉन्सेप्ट जो बहुत यूजफुल होता है मशीन लर्निंग में. अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स दे एक्चुअली यूज मशीन यूक्लिडियन डिस्टेंस इंटरनली. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज के नियरेस्ट नेबर्स. ये एक एल्गोरिदम है जो शायद आपने नाम भी सुना होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा.
सो के नियरेस्ट नेबर्स एक ऐसा एल्गोरिदम है जो इंटरनली आपका, इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, और ये क्या करता है, इंटरनली इट यूजेस यूक्लिडियन डिस्टेंस टू क्लासिफाई डेटा पॉइंट्स, ठीक है। सो मान लो आपके पास आयरिस वाला डेटा सेट है और आपके पास सेपल लेंथ, पेटल लेंथ और स्पीशीज ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने दो ही पॉइंट्स लिए हैं, तो इट मीन्स हमारे सारे के सारे फीचर्स वेक्टर्स जो होंगे वो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे, ठीक है। लाइक यू कैन एक्चुअली विजुलाइज देम, ये SL है और ये PL है, सारे के सारे वेक्टर्स यहीं पर इस तरीके से अलाइंड होंगे, राइट। अब मान लो हमें एक नया फूल दिया जाता है, नया फूल दिया जाता है मतलब नए फूल का SL और PL दिया जाता है, और हमें पता करना है कि ये लेट्स से सेटोसा है या वर्सिकलर है या वर्जेनिका है। तो आप क्या करते हो, ये नया जो फ्लावर है इसको भी आप एक वेक्टर मान लेते हो, और आप इसका डिस्टेंस एज एन यूक्लिडियन डिस्टेंस बाकी के सारे फ्लावर्स के साथ निकालते हो, और जो भी फ्लावर इसके सबसे नियरेस्ट है उस फ्लावर से पूछते हो कि उसका टाइप क्या है। लेट्स से वो सेटोसा है, तो हम ये बोल देंगे कि हमारा जो नया वाला पॉइंट है वो भी सेटोसा ही होगा, एंड दिस इज हाउ के नियरेस्ट नेबर्स वर्क, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कैसे यूजफुल है ये पूरी चीज। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक कोड लिखा है जहां पर मैंने 5 वेक्टर्स बनाए हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। सो यू कैन सी ये रहे वो 5 वेक्टर्स, ठीक है। तो बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा कोड में बग होगा शायद, बट यहाँ हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं, 3 इनमें से रेड कलर के हैं और 2 इनमें से ब्लू कलर के हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया वेक्टर ले रहे हैं, लाइक इनपुट ले रहे हैं यूजर से। सो यूजर ने बोला हमारा नया वेक्टर है 1 स्पेस 1 स्पेस 1, ये उसके 3 कंपोनेंट्स हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नया वेक्टर मैंने लिया इसका डिस्टेंस आई एम कैलकुलेटिंग, यूक्लिडियन डिस्टेंस आई एम कैलकुलेटिंग विद ऑल ऑफ दीज 5 वेक्टर्स, ठीक है। और जिसके भी नियरेस्ट होगा हम वो कलर असाइन कर देंगे। सो यू कैन सी ये ग्राफ पूरा प्रिंट नहीं हुआ, लेट मी रन इट वन मोर टाइम। एक काम करते हैं इस पूरे कोड को एक साथ लिख लेते हैं, सो लेट मी राइट इट दिस वे। और अब रन करते हैं, सो वो मुझसे मांग रहा है एक नया वेक्टर, ये रहा नया वेक्टर 1 1 1, एंड यू कैन सी कि ये बोल रहा है नियरेस्ट नेबर इज 0, विच मीन्स ये ग्रीन वाला पॉइंट हमारा क्वेरी पॉइंट है, लाइक वो वेक्टर है जो हमने इंसर्ट किया, इनपुट दिया 1 1 1 वाला। बाकी ये जो 5 वेक्टर्स हैं, 3 उनमें से ब्लू कलर के हैं, 2 उनमें से रेड कलर के हैं। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो देख के भी समझ में आ रहा है कि इस ब्लू वाले के क्लोजेस्ट है, तो ये ब्लू वाले का कलर सेंस 0 था या क्लास 0 था, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा ग्रीन वाला भी 0 होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप मशीन लर्निंग में कई जगह पे देखोगे, आप जब आप के मीन्स क्लस्टरिंग पढ़ रहे होगे वहां पे भी आप यूक्लिडियन डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे, आप लेट्स से रिकमेंडर सिस्टम्स बनाओगे आप वहां पे भी यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो इन शॉर्ट यूक्लिडियन डिस्टेंस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन मशीन लर्निंग। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग वेक्टर्स के ऊपर 2 ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं, और ये दोनों ऑपरेशंस स्केलर ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो है स्केलर एडिशन, और इसी के साथ हम लोग सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेंगे बिकॉज एक्चुअली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। और जो सेकंड ऑपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसी के साथ साथ हम डिविजन भी पढ़ लेंगे बिकॉज एसेंशियली दोनों सिमिलर चीज है, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन स्केलर एडिशन। सो लेट्स से आपके पास एक एन डायमेंशनल वेक्टर है v, जिसमें आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3 vn। आप अगर चाहो तो आप इसके ऊपर एक स्केलर एडिशन कर सकते हो,
ठीक है, मतलब आपके पास एक स्केलर है एन, और आप चाहो तो उस स्केलर को इस वेक्टर के हर कंपोनेंट में ऐड कर सकते हो। तो आफ्टर दिस ऑपरेशन आपका जो वेक्टर है वो ये बन जाएगा। यू कैन सी, अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाऊं मैं, मान लो आपके पास एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड दिस इज योर वेक्टर 2,2, ठीक है। और अब आपने क्या किया, आपने एक स्केलर लिया 5 और आपने इस वेक्टर के ऊपर ऐड कर दिया। तो बेसिकली यू वुड गेट अ न्यू वेक्टर 5x5, ठीक है। या फिर लेट्स से आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ 2,3, और आपके पास एक स्केलर है 3। तो आफ्टर द स्केलर ऑपरेशन व्हाट विल हैपन इज कि आपके पास एक नया वेक्टर आ जाएगा विच विल बी 5,6, ठीक है। सो इफ दिस इज 2,5,6, कुछ इस जगह पे होगा लेट्स से, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को आप शिफ्टिंग भी बोल सकते हो, बिकॉज एसेंशियली क्या हो रहा है कि आपका जो वेक्टर है इट इज गेटिंग शिफ्टेड इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको शिफ्टिंग भी बोला जाता है, ठीक। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है, लेट्स से आपके पास एक स्केलर है और एक वेक्टर है, आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, स्केलर हर कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग, बिकॉज एसेंशली आप क्या कर रहे हो, आप जो कंपोनेंट्स हैं उनका वैल्यू चेंज कर रहे हो, और जैसे ही आप कंपोनेंट्स का वैल्यू चेंज करोगे तो वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो स्केलर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को शिफ्टिंग बोला जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये ऑपरेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग में ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा। सो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जहाँ पर आप शिफ्टिंग यूज करते हो। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मीन सेंटरिंग, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। सो मान लो हमारे पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास लेट्स से 52D वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर्स को आप पॉइंट्स भी बोल सकते हो, एंड लेट्स से उन वेक्टर्स का स्केलर प्लॉट कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज योर X1 एक्सिस, दिस इज योर X2 एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हर पॉइंट को आप एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर्स, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप सारे के सारे जो आपके वेक्टर्स हैं, ठीक है, आपके सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं उनका आप X कंपोनेंट ले लो, या आप बोलो X1 कंपोनेंट ले लो, और आप उसका मीन कैलकुलेट करो, ठीक है। सिमिलरली आप सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं उनका X2 कंपोनेंट ले लो और X2 का मीन कैलकुलेट करो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये आपके पास डेटा है X1 X2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपके पास ये सारे वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं, और हर कंपोनेंट का, हर वेक्टर का एक X1 कंपोनेंट है, एक X2 कंपोनेंट है, ठीक है। दिस इज वेक्टर 1, दिस इज वेक्टर 2, दिस इज वेक्टर 3। आप क्या कर रहे हो, आप सारे के सारे वेक्टर्स का X1 कंपोनेंट ले रहे हो, दिस इज द X1 कंपोनेंट, और आप इसका मीन कैलकुलेट कर रहे हो, और मीन कैलकुलेट करके लेट्स से आया आपका 15/3, 5 आया, ठीक है। तो ये मीन आया 5। अब आप क्या करोगे कि आप X1 शिफ्टेड निकालोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली इस 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 7 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सिमिलरली आप ये सेम काम X2 के साथ भी करोगे, आप X2 का मीन निकालोगे विच विल बी 18/6, तो दिस वुड बी 6, लेट्स से ये आया 6। और अब आप क्या करोगे, X2 शिफ्टेड निकालोगे, ठीक है, और X2 शिफ्टेड क्या आएगा, आपका आएगा -2 0 2, ठीक है। और अब आप क्या करोगे कि आप दोबारा से अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंट्स को जब प्लॉट करोगे,
तो यू वुड फाइंड कि आपका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा, बट आपके पॉइंट्स जो हैं वो मीन सेंटर हो जाएंगे, ऐसे देखने लगेंगे। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को बोला जाता है मीन सेंटरिंग। ठीक है, आफ्टर द ऑपरेशन यू कैन सी, जब आप सम निकालोगे तो इट वुड बी जीरो। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है ना, ये आपको मशीन लर्निंग में कई जगह देखने को मिलता है, जहां पर आप क्या करते हो कि आप अपने डेटा को मीन सेंटर कर देते हो, लाइक मीन के अराउंड ले आते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो इससे क्या फायदा होता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर रखा है, अब ये मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज अभी हमने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा है, बट यू कैन सी दीज आर ऑल द सिनेरियोज जहां पर आप एक्चुअली मीन सेंटरिंग करते हो, और मीन सेंटरिंग करने से आपका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन सेंटरिंग इज अ यूजफुल प्री प्रोसेसिंग टेक्निक इन वेरियस मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, इट कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस कन्वर्जेंस एंड इंटरप्रिटेबिलिटी ऑफ द मॉडल। सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वेयर मीन सेंटरिंग इज अप्लाइड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, रेगुलराइजेशन। सो ऑल ऑफ दीज आर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जहां पर इंटरनली आप मीन सेंटरिंग करते हो, और मीन सेंटरिंग करने से आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर जाता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक कोड एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 100 वेक्टर्स जनरेट किए हैं, 2D 2D वेक्टर्स। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज द डेटा, आप यहाँ पे हर रो को एक वेक्टर की तरह ले सकते हो, इस तरीके से हमारे पास 100 वेक्टर्स हैं। और मैंने क्या किया है, मैंने उनको प्लॉट भी कर दिया है। सो यू कैन सी जब आप इसको प्लॉट करोगे, यू वुड सी दिस इज आवर डेटा, दिस इज द ओरिजिनल डेटा, लाइक दिस डेटा, लाइक दिस डेटा। सो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने हमारे सारे वेक्टर्स का लिया डेटा और उसका मीन कैलकुलेट कर दिया। तो यू कैन सी ये है X1 कंपोनेंट का मीन, ये है X2 कंपोनेंट का मीन। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, डेटा से ये स्केलर सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, मीन सेंटरिंग में आप सब्ट्रैक्शन करते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, शायद मैंने नहीं बताया, आप बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, X1 - X1 मीन एंड X2 - X2 मीन। ठीक है, वेयर X1 एंड X2 दीज आर बोथ वेक्टर्स, वेयर एज X1 मीन एंड X2 मीन बोथ आर स्केलर्स, तो दिस इज अ स्केलर ऑपरेशन। सो ये दोनों स्टेप्स एक साथ हो जा रहे हैं, और ऐसा करने के बाद जब आप दोबारा प्लॉट बनाओगे, यू वुड सी आपका पूरा डेटा का शेप जो है वो तो सेम ही रह गया, लेकिन डेटा सेंटर हो गया मीन के। यू कैन सी अगर आपको एक साथ देखना है तो मैंने यहाँ पर ये कोड लिख रखा है। सो ये रहा बिफोर मीन सेंटरिंग, ये डेटा कहीं और है, यू कैन सी दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ये जो दो ब्लैक लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और ये भी ओरिजिन है जहाँ पे ब्लैक लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो यू कैन सी दिस इज द ओरिजिनल डेटा, दिस इज द मीन सेंटर डेटा। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जाम्पल वेर यू यूज शिफ्टिंग इन मशीन लर्निंग। तो गाइज अभी हमने जस्ट दो वेक्टर्स के बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पढ़ा, अब आई गेस यू मस्ट बी वंडरिंग क्या हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच। द आंसर इज येस, आप दो वेक्टर्स अगर आपके पास हैं, लेट्स से वेक्टर ए जिसमें लेट्स से एन कंपोनेंट्स हैं एंड वेक्टर बी लेट्स से इसमें भी एन कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में यू कैन डू प्रोडक्ट। ठीक है, बट वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। इनफैक्ट यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, शायद आपने नाम सुना होगा। सो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सो उसका रीजन ये है कि जब आप दो वेक्टर्स को लेते हो और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो खुद एक स्केलर होता है, वेयर एज जब आप दो वेक्टर्स को लेते हो और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर होता है।
दैट इज वाई इनका नाम इस तरीके से है, ठीक है। सो हम लोग अभी पहले फोकस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, बिकॉज दिस इज मोर यूजफुल, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग यू वुड फाइंड दैट यू विल बी यूजिंग डॉट प्रोडक्ट लॉट। क्रॉस प्रोडक्ट कुछ जगहों पे आपको देखने को मिलेगा मशीन लर्निंग में, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे कवर करेंगे जब हम लोग मेट्रिसेस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा फोकस है हाउ डॉट प्रोडक्ट वर्क्स, इसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों एन डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, और आपको इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि आप पहले कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करते हो, लाइक ए वन और बी वन का मल्टीप्लीकेशन, फिर आप ए टू बी टू निकालते हो, फिर आप ए थ्री बी थ्री निकालते हो, और ऐसा करते करते आप ए एन बी एन निकालते हो, और फिर इन सबके बीच में सम परफॉर्म कर देते हो। तो ये जो चीज आपको मिलती है यही होता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिलहाल बस आप ये समझ लो कि गिवन टू वेक्टर्स दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सो आप क्या कर सकते हो कि आप इस डॉट प्रोडक्ट को मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो अभी मैंने आपको मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ा है, बट आई एम अज्यूमिंग आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो आप एक्चुअली इस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हो इंटू टू मेट्रिसेस। सो यू कैन एक्चुअली टेक वन मेट्रिक्स विच विल बी अ रो वेक्टर, जिसमें आप ए वन ए टू ए एन रखे हुए हो, दिस इज अ रो वेक्टर जिसका शेप है वन क्रॉस एन, एक रो एन कॉलम्स। और सेकेंड आप क्या कर सकते हो, एक और वेक्टर ले सकते हो लाइक दिस इज अ कॉलम वेक्टर जिसका शेप है एन क्रॉस वन। अब आप खुद देखो, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स याद होंगे तो आप वन क्रॉस एन और एन क्रॉस वन के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अगर ये और ये सेम है, ये दोनों अगर सेम है तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वो होगा वन क्रॉस वन, विच इज बेसिकली अ स्केलर जो आपको यहाँ पे मिलता भी है। तो आपका क्या होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ए थ्री बी थ्री से मल्टीप्लाई होगा, ए एन बी एन से मल्टीप्लाई होगा, और सबके बीच में आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर चाहो तो डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो वेक्टर एंड अ कॉलम वेक्टर। अब एक चीज मैंने आपको बता रखी है, या आई डोंट नो मैंने बताया नहीं शायद, बट मोस्टली जब आप वेक्टर्स की बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप कॉलम वेक्टर्स ही लेते हो, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो यू विल अज्यूम दैट इट इज अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो मान लो आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो आप एक्चुअली उनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो यू वुड राइट देम लाइक दिस, यू वुड राइट देम लाइक दिस, राइट। तो आपको अगर इस शेप में लेके आना है या इस फॉर्म में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, ए को ट्रांसपोज कर दोगे, सो यू वुड राइट ए ट्रांसपोज बी, या आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि हम कैपिटल लेके चल रहे हैं, ए ट्रांसपोज बी, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, आई गेस आपको पता है, जहां पर आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हो, मेट्रिसेस में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट या अगर आपके पास एक या दो वेक्टर्स हैं और आप उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, ऑल्सो मैंने ये भी नहीं बताया, डॉट प्रोडक्ट का सिंबल ये होता है, यू पुट अ डॉट इन बिटवीन, तो यू कैन राइट इट एज ए ट्रांसपोज बी। ये आपको आगे भी कई जगह पे देखने को मिलेगा, स्पेशली जब हम लोग कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का इनर वर्किंग पढ़ेंगे, वहां पर यू वुड सी कि मैं आपको इस तरह का कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और उसका लाइक मैट्रिक्स फॉर्म में इंटरप्रिटेशन क्या है, और कैसे आप ट्रांसपोज यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो अपना डॉट प्रोडक्ट। सो ए इज अ मैट्रिक्स वन क्रॉस एन, बी इज एन क्रॉस वन, इन दोनों के बीच का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है
वो भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, अब आपको कुछ रूल्स याद रखने होते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट आपका रूल इज कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब, लेट्स से आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ए डॉट प्रोडक्ट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट ए। और सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विच सेज कि ए डॉट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये दोनों रूल्स होल्ड करते हैं इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इट विल हेल्प यू। ठीक है, मैं आपको झट से दिखाता हूँ कि आप पाइथन यूज करके एन डायमेंशनल वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लेट मी शो यू। सो यू कैन सी यहाँ पर मैंने एक कोड लिख रखा है जहां पर हम नमपाई को यूज करके दो 3D वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज आर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज आर सेकेंड वेक्टर, और आपके पास एनपी डॉट बोल के एक फंक्शन होता है जिसमें आपको अपना दोनों प्रोडक्ट्स को भेजना है, दोनों वेक्टर्स को भेजना है ए और बी, और वो आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके दे देगा। देर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट सिंटेक्स जो मैंने पर्सनली ज्यादा यूज नहीं किया है, बट बहुत ही सिंपल है। आप वेक्टर लिखो पहला वाला, दूसरा लिखो और उन दोनों के बीच में एट द रेट लगा दो। दोनों ही सिंटेक्स यूज करके आप डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर मैंने कोड लिख रखा है टू प्रूव दीज टू लॉज कि कम्यूटेटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सो यू कैन सी कम्यूटेटिव के लिए मैंने क्या किया, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाला, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकाला और उन दोनों को प्रिंट कर दिया। एंड यू कैन सी दोनों 32 ही आ रहे हैं एंड द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करने के लिए यू कैन सी मैंने तीन वेक्टर्स लिए हैं, ऊपर तीन वेक्टर्स हैं, दिस इज द थर्ड वन। सो यू कैन सी हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ए और बी प्लस सी के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो पहले हमने बी और सी के बीच में एडिशन किया, उससे हमें एक नया वेक्टर मिला, हम उस नए वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और जो दो वेक्टर्स आ रहे हैं, दो स्केलर्स आ रहे हैं, उन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और हमने उन दोनों को कंपेयर किया एंड यू कैन सी बोथ आर कमिंग आउट टू बी 82 विच प्रूव्स द डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये आप खुद भी ट्राई आउट कर सकते हो। अब गोइंग फॉरवर्ड आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि वाई इज डॉट प्रोडक्ट यूजफुल, कहाँ पे यूज कर सकते हो आप डॉट प्रोडक्ट को। तो मल्टीपल यूज केसेस हैं डॉट प्रोडक्ट के, इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग इन लीनियर एलजेब्रा। सबसे यूजफुल जो काम है वो है कि इट इज यूज्ड टू कंप्यूट सिमिलैरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स से दो वेक्टर्स हैं तो आप ये बता सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कितने सिमिलर हैं। लेट्स से आपके पास तीन वेक्टर्स हैं तो आप बता सकते हो कि इनमें से कौन से दो वेक्टर्स ज्यादा क्लोज हैं, ज्यादा सिमिलर हैं। कैसे करोगे ये थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ज्योमेट्रिक इंट्यूशन डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, बट या दिस इज प्रेटी यूजफुल। सेकेंड यूज केस होता है कि आप डॉट प्रोडक्ट को यूज करके प्रोजेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोजेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हो। सो मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकेंड वेक्टर, दिस इज ए, दिस इज बी। तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर बी के ऊपर आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो बेसिकली यू कैन कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शंस भी बहुत यूजफुल होते हैं, तो हम प्रोजेक्शंस भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, बट अगेन दिस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट्स। एंड द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज कि यू कैन परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो पूरा ही आपका डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन मेन मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर सकते हो अगर आप डॉट प्रोडक्ट जानते हो। ठीक है, इफ यू आस्क मी कि मशीन लर्निंग में कहाँ यूजफुल है डॉट प्रोडक्ट,
तो आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, सो अगर आपको याद होगा इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मान लो हमारे पास कुछ मूवीज हैं और उनका समरी है. मैंने क्या किया था, इस समरी को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया था, और ऐसा करने से हमारे पास हर मूवी एक वेक्टर बन गई थी हमारे कोऑर्डिनेट स्पेस में. और फिर मैंने बोला था कि लेट्स से कोई नया मूवी मुझे दिया जाता है और मुझे सिमिलर मूवी रिकमेंड करना है, तो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट सिमिलैरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स. तो मैं इस नए वेक्टर का सिमिलैरिटी हर वेक्टर के साथ कंप्यूट करूंगा, और जो सबसे सिमिलर वेक्टर होगा वो मैं रिकमेंड कर दूंगा. ठीक है, कैसे करना है ये चीज, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी. इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. वहां पर आप एग्जैक्टली सेम काम करते हो. ठीक है, एंड द सेकेंड यूज केस इन मशीन लर्निंग इज एक्चुअली डीप लर्निंग. सो डीप लर्निंग में आप काफी सारा मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो टू परफॉर्म ऑल द कंप्यूटेशंस, और वो परफॉर्म करने का मतलब है यू आर एक्चुअली यूजिंग डॉट प्रोडक्ट बिहाइंड द सीन्स. ठीक है, तो आप तो बहुत आराम से ऐसा बोल सकते हो कि डीप लर्निंग टोटली रिलाइज ऑन डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो आई होप आपको एक रफ आइडिया हो गया अबाउट डॉट प्रोडक्ट. अब हम लोग ना इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी हमने ज्योमेट्रिक इंट्यूशन डिस्कस नहीं किया, वी जस्ट डिस्कस की कंप्यूट कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट. अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पढ़ेंगे. तो हमने थोड़ी देर पहले डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मुलेशन देखा, और अब मैं आपको एक डिफरेंट फॉर्मुलेशन दिखाऊंगा डॉट प्रोडक्ट का, जो कि आपको थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देगा कि डॉट प्रोडक्ट कर क्या रहा है. ठीक है, सो मान लो हमारे पास एक 2D कोऑर्डिनेट स्पेस है और उसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वन इज ए एंड अदर वन इज बी, और इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा का. तो आप डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू. ठीक है, जहां पर ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन. ठीक है, और इससे आप कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो जो कि आपको आगे बहुत काम आएंगे. जैसे कि लेट्स से आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, एंड बोथ आर लेट्स से नॉन जीरो वेक्टर्स, विच मीन्स इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, एंड इट्स गिवन कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो. तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये एक्सप्रेशन भी जीरो है, और इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, विच बेसिकली मीन्स कि यू कैन कंक्लूड कि ए और बी परपेंडिकुलर है, या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है, ऑर्थोगोनल है. ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये एक्चुअली बताता है कि ए एंड बी दे आर डिससिमिलर, दे डोंट शेयर टू मेनी प्रॉपर्टीज. ठीक है, और आगे भी जब हम कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे जैसे कि SVM वगैरह में आप इस प्रॉपर्टी को काफी यूटिलाइज करोगे. ठीक है, तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये एक बहुत बढ़िया ज्योमेट्रिक इंट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है. ऑल्सो इस फॉर्मुलेशन का एक और फायदा भी है कि अगर मान लो आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर आपके पास इन दोनों के सारे कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से ए के आपके पास सारे कंपोनेंट्स हैं ए वन ए टू ए थ्री ए एन एन डायमेंशन में भी, और बी के भी आपके पास सारे कंपोनेंट्स हैं एन डायमेंशंस में, तो आप सिर्फ इन वैल्यूज को यूज करके ए और बीच के बीच का एंगल क्रिएट कर कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे, बहुत सिंपल है. आप इसमें आपको बस ये करना है, आप लिखोगे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी
ए पी, और फिर आप क्या कर सकते हो, आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग इनवर्स कॉस या कॉस ऑफ इनवर्स, आई एम सॉरी, इनवर्स ऑफ कॉस ए डॉट बी, जिसको आप आर कॉस भी बोलते हो। ये फॉर्मूला लगा के यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो है कोसाइन सिमिलैरिटी, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है? कोसाइन सिमिलैरिटी ये होता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी। बेसिकली द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी, और इसको मशीन लर्निंग में एज अ सिमिलैरिटी मेजर यूज किया जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि दो वेक्टर्स कितने सिमिलर हैं, ये निकालने का तरीका है कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, और कितना आसान है आप देख सकते हो, आपके पास बस ए और बी की सारी कंपोनेंट वैल्यूज हैं, आप झट से क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के कॉस थीटा निकाल सकते हो इनके बीच का। कॉस थीटा -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देगा। अब खुद देखो, अगर वैल्यू 1 आ रहा है तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि इनके बीच का जो थीटा है इट इज इक्वल टू 0, विच बेसिकली मीन्स कि ए और बी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड यू कैन से दे आर कंप्लीटली सिमिलर। ठीक है, सो बेसिकली आप जो सिमिलैरिटी निकाल रहे हो वो डायरेक्शन के बेसिस पे निकाल रहे हो। जैसे ही आपका थीटा 0 आ रहा है, यू कैन से कि ए और बी का डायरेक्शन इज एग्जैक्टली सेम, भले ही मैग्नीट्यूड अलग है बट डायरेक्शन इज एग्जैक्टली सेम, विच मीन्स दे आर वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, वेयर एज अगर आपका -1 आ रहा है, इट बेसिकली मीन्स कि आपका जो थीटा है इट इज 180 डिग्री, विच मीन्स आपका ए ठीक ऑपोजिट है, लाइक इट्स लाइक पोलर ऑपोजिट। बट अगर आपका थीटा 90 आ रहा है, अगर, या फिर आप ऐसे बोलो कि कोसाइन सिमिलैरिटी 0 आ रहा है, ठीक है, तो दिस प्रूव्स कि आपके ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, और ऑर्थोगोनल होने का मतलब दे डोंट हैव एनी सिमिलैरिटी, दिस डोंट शेयर एनी फीचर्स दैट आर कॉमन। ठीक है, 0 से 1 के बीच में है अगर लेट्स से, तो आप बोल सकते हो कि द एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट, विच इज बेसिकली 0 से 90 के बीच में। इफ इट इज -1 से लेके 0 के बीच में, तो यू कैन सी द एंगल इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आपका मूवी रिकमेंडर सिस्टम का एक लॉजिक, वहां पर आप बहुत आसानी से कोसाइन सिमिलैरिटी लगा सकते हो। सो आपके पास मूवीज का नाम है और उनकी समरी है, मैंने आपको ये तो सिखा ही दिया था कि आप समरी को कैसे वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट आपके पास एक एन डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग मूवीज इस तरीके से अलाइंड हो। अब लेट्स से आपने एक नई मूवी के बारे में क्वेरी किया, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इस नई मूवी का सारी मूवीज के साथ कॉस थीटा निकाल रहे हो, लाइक दिस। ठीक है, और आप उन मूवीज को रिकमेंड करोगे जिनके बीच, लाइक जिन ब्लैक और पिंक वाले के बीच जो एंगल है वो बहुत स्मॉल हो, लाइक बेस्ट तो हो कि अगर वो 0 हो जाए, बट 0 से 30 या फिर 60 या फिर 90 के बीच में अगर है तो यू वुड रिकमेंड दोज मूवीज। तो आज की डेट में जो सिंपल रिकमेंडर सिस्टम्स बनाते हैं हम लोग यूजिंग मशीन लर्निंग, वहां पर यू वुड फाइंड कि आप कोसाइन सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, विच इज हाईली बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मुलेशन जो आपको थोड़ा ज्यादा ज्योमेट्रिक मीनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक कोड लिख के दिखा देता हूं। सो यू कैन सी यहां पर हमारे पास
तीन वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स थ्री डायमेंशनल हैं, ए बी और सी, और मुझे ये पता करना है कि ए से ज़्यादा सिमिलर कौन है, बी या फिर सी। तो मैंने क्या किया, मैंने दो बार कोसाइन सिमिलैरिटी निकाला, एक बार ए और बी के बीच में और एक बार ए और सी के बीच में। एंड यू कैन सी जब मैंने इस कोड को रन किया तो ए और बी के बीच में जो सिमिलैरिटी थे दे वर लाइक वेरी वेरी ऑपोजिट, वेयर एज ए और सी दे वर क्वाइट सिमिलर। एंड यू कैन सी दैट वाई, ये तीनों पॉजिटिव्स हैं, ये तीनों पॉजिटिव्स हैं, तो बहुत एंगल छोटा हो रहा होगा इनके बीच में, और वेयर एज ये पूरा ही नेगेटिव है तो इनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, जिसकी वजह से यू आर गेटिंग सच लार्ज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट का ये सेकेंड इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझ में आया। In this video, we'll learn how to represent the equation of a hyperplane. Okay, so let me first tell you hyperplane क्या होता है, उसके बाद क्यों पढ़ना जरूरी है और फिर हम लोग ये पूरा काम करेंगे. ठीक है, so if you talk about 2D, if there are two dimensions, let's say x and y, this thing is known as a line, right? You already know this. What if you have a 3D coordinate system? In that case, you have something known as a plane, right? What if you have 3D, I'm sorry, what if you have 4D, 5D or a ND coordinate system? Wahan par, what do you think is the equivalent of a line or a plane? The answer is hyperplane. Hyperplane. Aur hame is hyperplane ka equation nikalna seekhna hai. ओके, सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. बट यू माइट बी क्यूरियस कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, हाइपरप्लेन का इक्वेशन निकालना क्यों जरूरी है. सो द रीजन इज वेरी सिंपल. मशीन लर्निंग में बहुत फ्रीक्वेंटली यू विल बी गेटिंग हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब बहुत ही इजीली, लाइक इवन द आयरस डेटा सेट जो टॉय डेटा सेट है मशीन लर्निंग का, उसमें भी चार कॉलम्स है. इफ यू टॉक अबाउट द एमनेस्ट डेटा सेट, उसमें 785 कॉलम्स है. सो यू कैन सी कि बहुत जल्दी आपको यू नो यू विल बी रनिंग आउट ऑफ दिस 2D और 3D स्पेस एंड यू विल बी गेटिंग इनटू दिस हाई डायमेंशनल स्पेस. सो यहां पर इफ यू आर डीलिंग विद सम क्लासिफायर और सम एल्गोरिदम, जहां पे आपको लाइंस के थ्रू क्लासिफिकेशन करना है या रिग्रेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ या फिर SVM हुआ, इस तरह के एल्गोरिदम्स में यू नीड टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, बिकॉज वहां पर आपके पास इतना सारा कॉलम्स है, मतलब इतने डायमेंशन में डेटा है, एंड वहां पर इफ यू वॉन्ट टू डू क्लासिफिकेशन आपको ये हाइपरप्लेन का इक्वेशन का जरूरत बहुत पड़ेगा. ठीक है, एंड दैट इज वाई इन दिस वीडियो वी गोइंग टू लर्न यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन. आई होप मैंने मोटिवेट कर दिया आपको. ओके, सो नाउ लेट मी रब दिस बोर्ड एंड विल स्टार्ट विथ दिस थिंग. ओके, सो द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. हम लोग 2D से स्टार्ट करेंगे और बिल्ड करते करते ND में जाएंगे. ठीक है, सो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो यू ऑलरेडी नो द आंसर. द आंसर इज y इज इक्वल टू mx प्लस b, राइट? सो यहां पर m क्या है, m इज बेसिकली दिस स्लोप, दिस थीटा, राइट? और ये b क्या है, इट्स दिस इंटरसेप्ट, राइट? ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है. ओके, देयर इज वन मोर जनरल फॉर्म, मतलब अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो देयर इज अ जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, और उसको आप ऐसे लिखते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये आई गेस आपने देखा होगा, राइट? सो अगर आप उसको रीअरेंज करो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यू कैन राइट इट लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, और यहां पे यू कैन रीअरेंज, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्लोप विल बिकम माइनस ए बाय बी एंड द इंटरसेप्ट विल बिकम माइनस सी बाय बी, राइट? मतलब दिस बी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बी. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है. ठीक है, सो हम लोग ये वाला फॉर्म ज्यादा यूज करेंगे बिकॉज ये जनरल फॉर्म है, तो हाइपरप्लेन के लिए ज्यादा इजिली आप स्टे कर पाओगे. ठीक है, तो फॉर नाउ लेट्स रिप्लेस दिस थिंग विथ दिस इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इनफैक्ट यहां पर आप एक और चेंज कर सकते हो. लेट्स से हम अपने पहले एक्सिस को x1 बोल रहे हैं और दूसरे एक्सिस को x2 बोल रहे हैं,
ये इसलिए इजी हो जाएगा बिकॉज अगर आपके पास 3, 4, 5, 10 डायमेंशन है तो आप उसको x3, x4, x5 कर सकते हो, ठीक है? सो एक्चुअली यू कैन राइट इट लाइक दिस, ax1 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? देयर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज इवेंचुअली जब आप 26 से ज्यादा स्पेसेस में काम कर रहे हो तो आपके पास ये ए बी और सी भी कम पड़ जाएगा. सो वन मोर वे ऑफ राइटिंग दिस इज w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w0 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है? हम इसको यूज करेंगे, ये समझने में सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है? अब सोच के देखो, अगर ये 2D के लिए है तो व्हाट अबाउट 3D गाइस? व्हाट इफ आई हैव अ प्लेन लाइक दिस? इस केस में हमारे पास यहां पर x1 है, यहां पर x2 है और यहां पे x3 है, राइट? तो अगेन यू नो यू कैन सिंपली स्केल दिस, यू कैन राइट w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w0 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, राइट? दिस इज द लाइन, दिस इज द प्लेन. नाउ यू कैन इजिली थिंक, अगर 4D होता तो w4 x4 हो जाता, पर अगर n डायमेंशनल है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस प्लस wn xn प्लस ये आपका इंटरसेप्ट वाला टर्म अभी भी यहीं पर है, ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन फॉर अ एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस. अब हम लोग इसको थोड़े कॉम्पैक्ट तरीके से लिखने का ट्राई करते हैं, ओके? सो आई हैव रिटन द इक्वेशन ओवर हियर. और बाय द वे वन मोर थिंग, आप हाई डायमेंशन में हाइपरप्लेन्स को पाई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? पाई. सो नाउ अभी भी थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा है, मतलब इसको देख के थोड़ा सा डर लग रहा है. आप चाहो तो इसको और रिड्यूस कर सकते हो इनटू अ मच मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म. कैसे कर सकते हो? अगर आप इस पूरी चीज को वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करो तो ये बहुत इजी हो जाता है और फिर आपको बहुत यू नो कन्वीनियंस हो जाता है हाई डायमेंशन में चीजों को हैंडल करने में. आई टेल यू हाउ. सो जब भी हमको कुछ करना होगा हम वापस 2D में आएंगे. सो लेट्स से हम 2D में है एंड वी हैव x1 एंड x2 टू आर एक्सेस. अब लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट है तो ऑब्वियसली इसका एक x1 कंपोनेंट होगा और एक x2 कंपोनेंट होगा, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? अगर ये 3D में होता तो यहाँ पे x3 कंपोनेंट भी होता, 4D में होता तो x4 कंपोनेंट भी होता. आप चाहो तो इस पॉइंट को एज अ वेक्टर इमेजिन कर सकते हो, राइट? अब सोच के देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन ये था, हमने थोड़ी देर पहले देखा 2D में. सो इट वॉज w1 x1 प्लस w2 x2. सो बेसिकली ये लाइन कुछ ऐसा होगा, राइट? और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे और प्लस ऑब्वियसली w0. ये ओरिजिन नहीं है बाय द वे, ओरिजिन होता तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, आप ऐसे इक्वल टू 0 करते, ठीक है? आई गेस ये वाला चीज समझ में आ रहा है. अब खुद सोच के देखो गाइस, आपको ऑलरेडी पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. अगर इफ दिस इज अ वेक्टर एंड लेट्स से आप w1 और w2 को भी एक वेक्टर की तरह लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्चुअली ये जो चीज लिख रहे हो दिस इज एक्चुअली अ डॉट प्रोडक्ट. सोच के देखो, दिस इज w.x, क्योंकि w.x क्या होगा, w1 x1 प्लस w2 x2, राइट? अगर आप ये 3D में होते, यहां पर x3 होता और w में w3 होता, तो तब भी w.x क्या होता, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3. तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, इस x को एक n डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो लाइक दिस. सो यू कैन एक्चुअली अज्यूम दैट देयर इज अ वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज लाइक दिस, w वेक्टर, और उसके अंदर यू नो कंपोनेंट है w1 w2 wn. सिमिलरली देयर इज अ वेक्टर x जिसमें कंपोनेंट है x1 x2 xn. तो एक्चुअली आप इस चीज को रिड्यूस कर सकते हो इनटू, आई राइट इट इन ब्लैक, यू कैन एक्चुअली रिड्यूस इट टू w डॉट प्रोडक्ट x प्लस w0 इक्वल टू 0. अब ये डॉट प्रोडक्ट नोटेशन को भी अगर आपको रिमूव करना है और सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप वेक्टर्स को लिखते हो तो दे आर जनरली रिटन इन कॉलम फॉर्मेट, राइट? सो ये दोनों ऐसे लिखे हुए हैं, w1
डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन, और एक्स भी ऐसे लिखा हुआ है एक्स वन एक्स टू एक्स एन, राइट। सो अगर आप इसको मैट्रिक्स से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो सो दैट आप इस इक्वेशन पे आ जाओ, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन। नाउ आपने क्या किया, इसको रो वेक्टर बना लिया और आपने एक्स को कॉलम वेक्टर ही रहने दिया, सो एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन, ठीक है। अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉलम रहता है, उसको अगर आपको रो में कन्वर्ट करना है तो यू आर एक्चुअली डूइंग दिस ऑपरेशन, ट्रांसपोज ऑपरेशन, और ये एक्स अभी भी ऐसा ही है, तो एक्चुअली आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, आपने शायद पढ़ा भी होगा ए डॉट बी इज एक्चुअली ए ट्रांसपोज बी, या आपने शायद वेक्टर्स में पढ़ा होगा। तो हमने वही किया, डब्ल्यू डॉट एक्स को हमने डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स कर दिया और प्लस ये डब्ल्यू नॉट तो है। एंड गाइस नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन एनी डायमेंशन, मतलब ये 2D में भी वैलिड है, ये 3D में भी वैलिड है, ये ND में भी वैलिड है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, ये डब्ल्यू नॉट क्या है, राइट, क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत सही है, ये बस डब्ल्यू नॉट साथ में फालतू में लटक रहा है, ये क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। सो डब्ल्यू नॉट का सिग्निफिकेंस को अगर आपको जानना है तो आप ये कर सकते हो, फिर से हम 2D में जा रहे हैं, 2D में आप एक लाइन की इक्वेशन को दो फॉर्म्स में लिख सकते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, और दूसरा था डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू, मैं यहाँ पे y लिख सकता हूँ, मतलब डब्ल्यू वन एक्स प्लस डब्ल्यू टू वाई प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं, मतलब अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे ठीक से लिखता हूँ। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, डब्ल्यू वन एक्स प्लस डब्ल्यू टू वाई प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहां से हम समझने का ट्राई करते हैं कि डब्ल्यू नॉट एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके जैसे इस इक्वेशन में बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वाई इंटरसेप्ट। अब इमेजिन करो आप पूरी लाइन को अगर नीचे ले आओ तो ये लाइन यहां से पास करेगी लाइक दिस, इसका बी टर्म जीरो हो जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट यू ऑलरेडी नो कि इस इक्वेशन में आप दोनों को इक्वेट करो तो यू कैन राइट बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉट बाय डब्ल्यू टू, राइट। अब अगर बी जीरो हो गया तो आपको इसको भी जीरो करना है, और इसको भी जीरो करने के लिए आपको डब्ल्यू नॉट को जीरो करना है। सो आप ये इन्फर कर सकते हो कि अगर आपका लाइन या फिर आपका एन डायमेंशनल हाइपर प्लेन ओरिजिन से पास करेगा तो आपका डब्ल्यू नॉट हमेशा जीरो हो जाएगा। सो हम एक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन ले रहे हैं दैट कि हमारा ये हाइपर प्लेन जो है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि आप वेक्टर्स को पूरे टाइम ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, राइट। तो आप ये अजम्पशन ले रहे हो कि w2 x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और आपने और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, सोच के देखो गाइस, आपने बस एक अजम्पशन लिया कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है हाइपर प्लेन, और ये w नॉट जीरो हो गया क्योंकि आपको समझ में आ गया क्यों, और फिर आपका इक्वेशन ऑफ द हाइपर प्लेन इज नाउ डब्ल्यू टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। एंड दिस इज सो सिंपल गाइस, अगर ये 2D है तो आप इसको ऐसे लिखोगे w1 x1 plus w2 x2 is equal to 0, अगर 4D है तो आप लिखोगे w1 x1 plus w2 x2 w4 x4 is equal to 0। अब आप किसी भी हाई डायमेंशनल लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑब्वियसली द अजम्पशन इज कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके। अब एक लास्ट चीज कर रहे हैं बिकॉज ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया, हम सच में एक बार इंटरप्रेट करने का ट्राई करते हैं कि ये w है क्या, ये W है क्या, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं, एक बार मैं रब कर देता हूं व्हाइटबोर्ड को, ओके ओके गाइस। सो नाउ लेट्स इंटरप्रेट कि W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस वेक्टर, ये है क्या, ठीक है। अब यू ऑलरेडी नो कि दिस W T बाय X कैन इजीली बी रिटन एज W डॉट प्रोडक्ट X, राइट, एंड यू ऑलरेडी नो वेक्टर से आपको पता होना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू W X cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, इफ देर आर टू वेक्टर्स w एन x तो बेसिकली उनका एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द थीटा कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, राइट। सोचिए देखो, राइट, सो हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट, और ये कब होगा सोचिए देखो, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्रीज। सो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो w है और आपका ये जो x है
ये दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एक एंगल, और आपको ये ऑलरेडी पता है कि ये जो आपके एक्स है ये ऑब्वियसली आपके प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा, राइट? मतलब ये एक्स चाहे कोई भी और एक्स हमेशा आपके प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा, राइट? ये सारे के सारे वेक्टर्स आपके इस प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। सो अगर आपको इंटरप्रेट करना है कि ये डब्ल्यू क्या है, तो ये जो आप हाइपर प्लेन फॉर्म कर रहे हो, ये जो इक्वेशन है हाइपर प्लेन का, ये डब्ल्यू हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है? दिस इज वॉट दिस डब्ल्यू इज, दिस वेक्टर इज अ वेक्टर जो आपके इस हाइपर प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर में रहता है, एंड यही इसका इंटरप्रिटेशन है गाइस, ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ओके, सो नाउ दैट यू नो कि इक्वेशन ऑफ अ हाइपर प्लेन कैसे लिखते हैं इन फॉर एनी डायमेंशन, एनी डायमेंशनल स्पेस, अब आप इसको बहुत जगह पे प्लगइन कर सकते हो, और एंड ट्रस्ट मी ये आपको नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स हेल्प करेगा, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रोग्रामिंग जब आप खुद की क्लासेस अगर बना रहे हो किसी एल्गोरिथम का। सो ये बहुत किक-ऐस कॉन्सेप्ट है, आई होप ये आपको समझ में आया। ओके, सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। हमने अभी भी सारे के सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं वेक्टर्स में, और कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं। सो प्लान ऐसा रहेगा कि मैं दो वीडियोस और रिलीज करूँगा। वन वुड बी ऑन मेट्रिसेस, जहाँ पे मैं कुछ बचे हुए वेक्टर्स के टॉपिक्स भी कवर करूँगा, एंड देन देर विल बी अ थर्ड वीडियो ऑन टेंसर्स, ठीक है? और आई नो अभी मैं सब कुछ बहुत बेसिक लेवल पे ही कवर कर रहा हूँ, बट उसका रीज़न ये है कि अभी हम एकदम हार्ड कोर लीनियर अल्जेब्रा पढ़ के फ़ायदा नहीं है, इट वुड जस्ट वेस्ट टाइम। सो वॉट वी विल डू इज़ कि फ्यूचर में जब भी हमें कोई भी कॉन्सेप्ट दिखाई देगा किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को पढ़ते हुए कि यार ये एक एडवांस्ड लीनियर अल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, तो हम वहाँ पर उस टाइम पे उसको पढ़ लेंगे। जैसे आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट्स से आप PCA पढ़ रहे हो, तो हम आइगन वैल्यूज़, आइगन डिकम्पोजिशन उसी टाइम पढ़ लेंगे, रादर देन अभी अननेसेसरीली पढ़ के भूल जाने के। इट वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।